हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑर्डिनल नंबर्स। वी काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक दिस 1, 2, 3। हम किसी भी नंबर को काउंट करते हैं, किस कोई सामान होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। द नंबर ऑन विच आवर काउंटिंग इन टेल अस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारा नंबर काउंटिंग जिस पे ख़त्म होता है, जिस पे समाप्त होता है, वो उस ऑब्जेक्ट्स के उतने नंबर्स होते हैं। सपोज वी हैव ए कलेक्शन ऑफ फुटबॉल्स। हम लोग फुटबॉल्स का कुछ कलेक्शंस करते हैं और फिर हम उसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। हमारी काउंटिंग 8 पर जाकर समाप्त होती है, तो इसे यह सिद्ध होता है कि यह कलेक्शन जो है 8 फुटबॉल्स का है, यानी कि इस कलेक्शन में, इस पूरे ग्रुप में 8 फुटबॉल्स हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। द नंबर 1, 2, 3 विच टेल अस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर आइटम आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जो नंबर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, इसको, इस नंबर ऑब्जेक्ट्स को और आइटम्स को जिस नंबर से हम लोग काउंट करते हैं, उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। नाउ सपोज 6 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए क्यू इन द स्कूल। अब हम सपोज करते हैं कि एक स्कूल में 6 बच्चों की, 6 स्टूडेंट्स की एक कतार है। वी से डेट रवि इज द फर्स्ट बॉय इन द क्यू। रवि उस लाइन के पहले पोजीशन पे खड़ा है। सैमुअल इज द सेकेंड इन द क्यू। रजत इज द थर्ड इन द क्यू। बालजीत इज द फोर्थ इन द क्यू। इरफान इज द फिफ्थ इन द क्यू एंड विकास इज द सिक्स्थ इन द क्यू। यानी कि नंबर वाइज स्टूडेंट्स खड़े हैं। जैसे आप लोग जब प्रेयर करते हैं तो नंबर वाइज खड़े होते हैं 1, 2, 3 करके एक दूसरे के पीछे। उस तरह से जो आगे होता है वो फर्स्ट, उसके पीछे सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे काउंट करते हैं। द नंबर सच एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विच टेल अस पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कलेक्शन आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। द नंबर सच एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन जो बताता है ऑब्जेक्ट्स का, जो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स का पोजिशन बताता है, उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्डिनल नंबर, हम ऑर्डिनल नंबर को कैसे प्रस्तुत करते हैं। इन फिगर द ऑर्डिनल नंबर आर इंडिकेटेड बाय काउंटिंग नंबर बट वी ऐड टू लेटर्स एवरी टाइम। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर शोन बाय एडिंग द लेटर्स ST, ND एंड RD। ऑल द अदर आर शोन बाय एडिंग द लेटर TH। हम ऑर्डिनल नंबर जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब हम फर्स्ट लिखते हैं तो 1 लिखकर उसके आगे हम ST लगा देते हैं तो फर्स्ट लिखते हैं, उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड को 2 के आगे ND लगाकर फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड के आगे RD। लेकिन इसके बाद जितने भी नंबर आते हैं 4, 5, 6, 7 अब तक, सब में लास्ट में नंबर लिखने के बाद उसके बाद TH लगा देते हैं। ये हमारा ऑर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। A इज द फर्स्ट लेटर। A जो होता है वो फर्स्ट लेटर है, उसे हम फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट लेटर। B इज द सेकेंड लेटर। C इज द थर्ड लेटर। D इज द फोर्थ लेटर। इस तरह करते करते Z इज द 26th लेटर। 26th पढ़ेंगे, 26 नहीं 26th, यानी कि Z जो है 26th पोजीशन पर है। आप लोग इस लेटर्स को नंबर वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा।